Hey, what's up YouTube family? Welcome back with another video. Guys, आज हम करने वाले हैं legs का workout. Yes, जैसे कि हमने कल किया था shoulder का workout, home workout, वैसे ही आज हम करेंगे legs का workout. जैसे कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, but ये है home series, home workout की series कि घर पे हम कैसे सिर्फ rod और dumbbells की help से हर muscle को हम train कर सकते हैं. जैसे कि हमने कल shoulder की muscle को train किया था, वैसे ही घर पर हम आज legs की muscles को train करेंगे. So guys, video को start करते हैं. अगर आपने channel को subscribe नहीं किया है, तो make sure कि channel को subscribe कर लें, जिससे कोई भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले आप वो वीडियो देख सकते हो. सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं. चलिए, तो सबसे पहले हम वार्म अप कर लेंगे और लोअर बॉडी, अपर बॉडी पूरी स्ट्रेचिंग, जिससे कोई भी इंजरी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आपके मसल्स अच्छे से वार्म अप हो जाएंगे. सो लेग्स आज, तो सबसे पहले फ्री स्क्वाट्स करने हैं आपको. 3 सेट 15 से 20 रेपिटेशन. क्यों? इससे आपकी हर एक मसल्स, बड़ी मसल्स वार्म अप हो जाएगी, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, काफ्स, तो ये जो आज हम ट्रेन करेंगे. सो अच्छे से स्क्वाट्स कर लें, 15 से 20 रेपिटेशन, 3 से 4 सेट, काफ़ी अच्छा है वार्म अप के लिए, सबसे बढ़िया है लोअर पार्ट के लिए. सो पहली एक्सरसाइज है हमारी बारबेल स्क्वाट्स, 4 सेट 8 से 12 रेपिटेशन. हर सेट में वेट बढ़ाने का ट्राई करें, तो ये आपका आपके क्वाड्स पे लोड डालेगा. आपकी जो क्वाड्स में 3 मसल्स होती है, इनर, आउटर और मिडल, तीनों पे जोर डालेगा. और ऑब्वियसली बात है, आपके एप्स में भी लोड जाता है, ग्लूट्स में भी लोड जाता है और हैमस्ट्रिंग में, बट ज़्यादा लोड आपके क्वाड्स में जाएगा. सो वेट बढ़ाएं, पोस्चर स्ट्रेट रखें अपना, आपका जो नी है टो से आगे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तो आप देख सकते हो पोस्चर अपना स्ट्रेट रखें, फॉर्म सही रखें और आपका नी आपका टो से आगे नहीं जाना चाहिए. सो वही है, 8 से 12 रेपिटेशन, 3 से 4 5 सेट आप जितनी मर्जी कर सकते हो, 4 से 5 6 सेट भी कर सकते हो. काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है आपके, यू नो, क्वाड्स के लिए. दूसरी एक्सरसाइज है हमारी फ्रंट स्क्वाट्स, 3 सेट. इससे ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, अगर जिन लोगों का बारबेल स्क्वाट्स में पोस्चर सही नहीं बनता है, ये एक्सरसाइज से आपका आपका पोस्चर भी अच्छा बन जाएगा. सेम ये आपके फ्रंट जो आपके क्वाड्स हैं उसके लिए ही है, ठीक है. सो ये भी क्वाड्स के लिए, आपकी तीनों मसल्स ट्रेन होंगी इससे और काफ़ी अच्छा पंप अप आता है इस एक्सरसाइज से. अब है बॉडी वेट लंजेस. सो इससे आपके हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, ग्लूट्स, एब्स, काफ्स, बहुत सारी मसल्स एक ही टाइम में ट्रेन होती है, काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है. प्लेट इसलिए रखी है मैंने ताकि अच्छा स्ट्रेच आ सके, अच्छा पोस्चर बन सके, तो आप प्लेट रख के कर सकते हो. तो 15 ईच साइड या 20 कर सकते हो, और इसको वेट्स के साथ करोगे तो ज़्यादा अच्छा. पहली बार अगर आप कर रहे हो तो फ्री वेट ही करें, क्योंकि आपको पोस्चर नहीं बन पाएगा, और उसके बाद आपको इसको डंबल से करना है, डंबल लंजेस से बोलते हैं हम. सो वेट के साथ करोगे तो ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच आएगा, ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट आएगा. सो गाइज, हो सके तो इसे वेट से ही करना. पोस्चर आप देख सकते हो, आपका जो नी है वो टो से आगे ना जाए, 90 डिग्री का एंगल बने, बॉडी स्ट्रेट रखें और अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करें, काफ़ी सही एक्सरसाइज है, मिस मत करना इस एक्सरसाइज को. वॉकिंग लंजेस भी कर सकते हो. सो ये है हमारी गाबलेट स्क्वाट्स, 3 सेट 12 रेपिटेशन. इससे आपका क्वाड्स ट्रेन होता है, हैमस्ट्रिंग ट्रेन होती है, ग्लूट्स ट्रेन होता है, तो ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के लिए ज़्यादा है, बट हाँ क्वाड्स भी आपका ट्रेन होता है. काफ़ी सही एक्सरसाइज है ग्लूट्स के लिए, मिस मत करिए अगर आपको अपने ग्लूट्स की मसल्स को ट्रेन करना है तो. एंड दिस वन इज डंबल रोमेनियन डेडलिफ्ट, 3 सेट 12 रेपिटेशन. ये आपकी हैमस्ट्रिंग के लिए है और ग्लूट्स के लिए है. जितना हो सके स्ट्रेच करें. मैं प्लेट्स के ऊपर इसलिए हूँ ताकि मैं ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बना पाऊँ और मेरे डंबल्स को ज़्यादा नीचे तक लेके जाऊँ, जिससे स्ट्रेच अच्छा आए मेरे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स में. तो काफ़ी सही एक्सरसाइज है, कॉन्ट्रैक्ट करें, बैक में भी लोड जाएगा, नॉर्मल सी बात है, डेडलिफ्ट की तरह ईजी, बट अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आएगा. सो गाइस, ये है हमारी बारबेल रोमेनियन डेडलिफ्ट, 3 से 4 सेट करें, 12 रेपिटेशन 15 रेपिटेशन, तो आपके ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग के लिए आप देख सकते हो. सो अपना पोस्चर ठीक रखें, डेडलिफ्ट की तरह ही है, बट अपना नी ज़्यादा आगे मत करें,
जितना हो सके कॉन्टैक्ट आपका हैमस्ट्रिंग में जाना चाहिए, जितना हो वहाँ पे स्ट्रेच हो। एंड दिस वन इज टम्बल लेग कर्ल। सो यहाँ पे हम पे बेंच है नहीं, अगर आपके पास बेंच है तो बेंच में बैठ के ऐसे कर सकते हो, तो आपका एक काफ्स और हैमस्ट्रिंग में पूरा पूरा लूट जाएगा इसमें। सो बेंच नहीं है तो आप सो के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये देख सकते हो मेरे काफ्स यहाँ पे ट्रेन हो रहे हैं अच्छे, और यहाँ पे हमारा आपका हैमस्ट्रिंग पे लूट जा रहा है। तो जितना हो सके रेपिटेशन खींचे 15-20, वेट अगर ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा उठाने का ट्राई करें, नहीं है तो रेपिटेशन ज़्यादा करें। अगर वेट है तो 10 से 12 इज इनफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी डंबल बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, अच्छा खासा स्ट्रेच आता है इससे, आपकी कॉर्ड स्ट्रेन होगी, हैमस्ट्रिंग ग्लूट्स मेन फोकस आपका हैमस्ट्रिंग एंड कॉर्ड्स में जाएगा। सो काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है, आप इसको वॉकिंग लंजेस में भी कर सकते हो, आप लंजेस करते हैं जो वॉकिंग वाले वो भी कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया एक्सरसाइज है। वेट उठाने का ट्राई करें, जितना वेट उठाओगे उतना ज़्यादा अच्छा है। सो ये है स्टैंडिंग काफ्स, 3 सेट 30 रेपिटेशन, एक साथ हमें 30 रेपिटेशन करना है। सो यहाँ पे हमारी 3 मसल्स है, लेटरल मीडियल एंड सोलियस। सो इसको हम ट्रेन करते हैं, पहले पोस्चर देखेंगे हमें कैसे करना है। सो यहाँ पे स्क्वीज कर रहा हूँ, 1 2 3 पे स्क्वीज, 1 2 कॉन्ट्रैक्ट, 3, ठीक है। सो ऐसे करके अगर आप ऐसे करते हो तो आपका लेटरल और मीडियल दोनों ही ट्रेन हो रहा है यहाँ पे। सो आपका सोलियस पे भी असर जाएगा, बट हाँ ये आपके तीनों मसल्स के लिए है एक्चुअल में, लोग इसी को ही करते हैं, मगर आपको अच्छे से अगर ट्रेन करना है तो आपको अलग अलग पोस्चर में करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे करके करते हो तो एक सेपरेट मसल आपकी ट्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं लेटरल, ऐसे करोगे तो मीडियल ट्रेन होगी, आपका सोलियस भी ट्रेन होगी। सो गाइस होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आज हमने लेग्स की वर्कआउट करी है, होम वर्कआउट, और हमने हर एक मसल्स को ट्रेन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर कोई भी डाउट्स हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है या कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो बेझिझक अपने भाई को मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या कमेंट में भी क्वेश्चन करोगे तो भी चलेगा। अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग ले ली है होम वर्कआउट, अगर आपको डाउट है कुछ भी है तो आप मुझसे ट्रेनिंग भी ले सकते हो। ये मेरी ईमेल आईडी है, या इंस्टाग्राम में मैसेज करें, या हमारी ये ऑफिशियल साइट है इस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, पीस आउट।